सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जगबाणी टीवी ते मैं हबिंदरपाल। अज दी दुनिया दे विच इंसान दा मन उत्ते काबू पाउणा बेहद मुश्किल हुंदा जा रहा है। ते जेकर किसी इंसान दा अपने मन उपर काबू नहीं है, अपने गुस्से उपर काबू नहीं है, तां किसी भी वारदात नूं ओह इंसान एकदम अंजाम दे सकदा है। कुछ इस तरह दा वाकिया सामने आए लुधियाणा दे विच, जिथे कि एक कोरियर बॉय जदों एक समान की डिलीवरी देने दे लई समान दे मालक दे कर गया, तो उसने समान की डिलीवरी देने तो बाद उसके मालिक तो जो पैसे मंगे तो उस तो बाद मालिक तलखी दे विच आ गया। तो उसने डिलीवरी बॉय ने कहा कि वह अपना समान वापस लै जाए। जदों इसके बाद डिलीवरी बॉय ने कहा कि वह कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक इस समान वापस नहीं ले जा सकता, तो इस तो बाद मालिक गुस्से विच आ गया ते तैश विच आ के उसने कुछ होर व्यक्ति बुला ले ते उसने डिलीवरी बॉय की कुटमार कर दी। यह इल्ज़ाम डिलीवरी बॉय ने लगाए ने ते उसका एक कहना है कि उसनू जान तो मारन की कोशिश की गई है। तो यही डिलीवरी बॉय की माँ का भी कहना है कि उसके बेटे नू जान तो मारन की कोशिश की गई है। तो माल जो दोषी है, आरोपी है, उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। तो इस दे विच की गलबात है, की है पूरा माजरा, जानते हैं साड़ी इस खास रिपोर्ट दे विच। ऑर्डर सीगा इत्थे अपना बाड़ेवाल पंछल विहार का गेट नंबर 2 ते हाउस नंबर 53 सीगा, हर्षदीप सिंह सोढ़ी उहदे मुंडे दा नाम सीगा। ते जदों मैं उन्हां नूं पार्सल देण गया ते पार्सल च पार्सल गलत निकलिया, उन्होंने मंगाए, उन्होंने अंडरगारमेंट्स वगैरह कुछ मंगवाए सीगे, निकलियां उहदे च 2 शर्टां। तो जब मैनू उन्हें खोलता पार्सल मैं डिलीवर करता तो मैनू कहिंदे कि मैनू मेरे पैसे वापस दे के जा ते पार्सल अपना वापस लेके जा। मैं कहा देखो भीरे, मैं तो हूँ डिलीवर करता पार्सल तो हूँ मतलब वापस नहीं लेके जा सकता। तो मैं कहा जा तो तुम तो कोई फोन तो कोई ऐप होंगी उसे तो कैंसल करो। तो मेल पैंती फिर लड़का आता वा 24 साल एक मतलब प्रोसीजर होंगे साड़ी कंपनी का। हाँ, उन्होंने एड्रेस से आया सीगा। ਭਾਜੀ 8 ਤੋਂ 9 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵੋਲਵਰ ਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇੱਕਦਮ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੂਈਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਊਗਾ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 7 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਸਰ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।